रिपोर्ट हम लोग का कोरोना जांच है, उसके बाद क्या बोल रहा है पैसा देगा रिपोर्ट देंगे। हम लोग कल ही जाना है मुजफ्फरपुर, दो बजे टाइम है शाम। सिवान सदर अस्पताल के मेन गेट पर छात्रों का हंगामा। मिली जानकारी के अनुसार आर्मी की कल परीक्षा होने वाली है, उसी को लेकर भारी संख्या में छात्रों ने कल कोरोना की जांच कराया था। एक दिन बाद रिपोर्ट देने की बात सदर अस्पताल के कर्मियों के द्वारा कहा गया था, लेकिन जब आज छात्र रिपोर्ट लेने सदर अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि आज रिपोर्ट नहीं मिलेगा। सवाल यह उठता है कि कल यानी 23 फरवरी को आर्मी की परीक्षा होने वाली है और उसमें प्रवेश के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट दिखाने के बाद ही एग्जाम हॉल में अनुमति दी जाएगी जाने के लिए। लेकिन छात्रों का आक्रोश आज फूट पड़ा और छात्र सड़क पर उतरकर हंगामा और प्रदर्शन करने लगे। आपको हम यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिवान सदर अस्पताल के मेन गेट के समीप छात्र सड़क पर उतरकर लगातार सदर अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन और हंगामा कर रहे हैं। इसकी सूचना मिलते ही नगर थाने के पुलिस पहुंचकर छात्रों को समझाने में लगी हुई है। हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले छात्रों का कोरोना जांच रिपोर्ट नहीं मिलने के बाद छात्र सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे। हम आपको ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझा रही है। अब आगे देखिए क्या कुछ होता है। छात्रों को आज कोरोना का जो रिपोर्ट आने वाला था आज मिलता है या नहीं, सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि छात्रों का भविष्य का सवाल है। छात्र कल आर्मी की परीक्षा देने वाले हैं, जिसमें अनिवार्य है कि जो कोरोना का रिपोर्ट लेकर आएगा, टेस्ट कराएगा, उसी को परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। यह सबसे बड़ा सवाल उठता है सदर अस्पताल के प्रशासन पर कि जब ऐसे छात्रों द्वारा सूचना दी गई थी कि मुझे परीक्षा के लिए जाना है और उसमें टेस्ट रिपोर्ट को दिखाना है, उसके बावजूद भी सदर अस्पताल के कर्मियों के द्वारा सही समय से छात्रों का रिपोर्ट नहीं तैयार किया गया है, इसी को लेकर आज छात्र आक्रोशित हो गए हैं। और इसकी सूचना मिलते ही नगर थाने के पुलिस मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाने में जुटी हुई है। आगे देखिए क्या कुछ होता है। आज छात्रों को कोरोना का रिपोर्ट दिया जाता है या नहीं। Thank you.
सभी खबरों पर अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।